हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्किल टेक्निकल पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओप्पो के किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का लॉक को सर्विस सेंटर वालों की तरह कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि लॉक को अनलॉक कैसे किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि सर्विस सेंटर वाले आपसे कितने पैसे लेते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना डेटा वेस्ट किए आप अपने फ़ोन को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि सर्विस सेंटर वाले फ़ोन कैसे अनलॉक करते हैं, और सर्विस सेंटर वाले फ़ोन को अनलॉक करने में काफ़ी समय भी लगा देते हैं, लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह बहुत भी समय लग जाता है, और आपसे काफ़ी ज़्यादा रकम भी वसूलते हैं, जैसे 500 हज़ार 1500 तक लग जाते हैं आपका फ़ोन में। तो आपको यहाँ सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको सरल उपाय बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा कि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि जो जो मेरे चैनल पे नए नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं किसी भी फ़ोन का लॉक अनलॉक करने का वीडियो लाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और लाइक बटन भी दबा देना। तो चालू करते हैं, फ़ोन को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन अनलॉक है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, कितना का पैटर्न भी होता है या अक्षरों में जो होता है लॉक वो भी लग जाता है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे जाएंगे। यहाँ पे इमरजेंसी कॉल या ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, आप देखिएगा अपने फ़ोन में। तो इमरजेंसी कॉल पे जाएंगे ईजी, तो यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने दिखेंगे। तो यहाँ पे पेज पे कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है, यहाँ पे कुछ कोड डालने वाला हूँ, यहाँ पे *8999H। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से आ जाने के बाद यहाँ पे कई तरह की फाइल भी खुल सकती है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैनुअल टेस्ट है, यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे जाना है। मैनुअल टेस्ट के पास जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइल खुल सकती है, यहाँ पे आप सब देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आगे आ जाना है। तो यहाँ पे एक बार स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका दो सेंसर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दो या पांच या तीन भी आ सकता है, पर यहाँ पे आने के बाद आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे आपका दो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे पांच भी आपका फ़ोन में हो सकता है या थ्री भी हो सकता है। तो इस पांच या तीन या दो में से दोनों सेंसर को स्टार्ट कर देना है, दोनों में से कोई एक सेंसर स्टार्ट हो जाएगा, देखना है, एक स्टेटमेंट एक दोनों पास हो गया। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, आपका फ़ोन में दो या तीन हो सकता है, कोई कोई में आपका सेंसर पास ना हो, तो आप सब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीन में से दो हो या एक हो, कोई भी एक सेंसर आपको पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट बैक हो जाते हैं, फिर एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं जी सेंसर, यहाँ पे जी सेंसर को भी ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपका जी सेंसर भी ओपन हो चुका है। तो इसके बाद बैक आ जाना है, फिर बैक आ जाना है, फिर पूरा स्क्रॉल करते करते पीछे आ जाना अदर्स पर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, फिर यहाँ पे रीडिंग रीसेट कंप्लीटेड इन डायरेक्टर में यहाँ पे आना, यहाँ पे आपका ऑप्शन पास दिखाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आपका फ़ोन पास दिखा रहा होगा। फिर हल्का बैक आ जाना है, एंड देन यहाँ पे की स्टेटस पे आना है, यहाँ पे की स्टेटस पे देखिएगा, यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन पास हो जाएगा। यहाँ पे जो जो ऑप्शन है, जहाँ जहाँ आपका फ़ोन में लॉक है अनलॉक है, सब यहाँ पे आपका पास हो जाएगा स्टेटस में। तो आपका फिर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे तो ईजी फ़ोन आप अपने रख दीजिएगा, यहाँ पे मात्र तीन बैक आ जाना है, एक दो तीन, एंड देन आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आपके पास आए सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।